वो 4 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं अग्निवीरों को, और उसके बाद वो उन्हीं को छूट भी दे रहे हैं, जैसे 10% या फिर 15% जो भी है। भाई बेरोजगारी तो ना पड़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, वैकेंसी आ रही 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार, उसके अंदर फॉर्म लग रही 20-20 लाख, 30-30 लाख। अब ये तो नहीं 20 लाख फॉर्म निकाले जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं पढ़ रहे जो रह रहे हैं। रोजगार उपलब्ध हो सकता है, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए या फिर आप स्किल डेवलपमेंट से किसी और प्राइवेट सेक्टर में जाकर देख सकते हैं। हाँ तो भाई, इस बार आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो? ब्रदर, एज अ यूथ एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं केवल और केवल मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और इस बार भी, अगली बार भी, और जब जब चुनाव होगा केवल और केवल मोदी जी को ही मेरा वोट जाएगा। मोदी को वोट, आप वोट दे रहे हो तो मोदी को कोई ऐसे काम बता सकते हो जिनसे आप खुश हो? जब से वो एक इंडियन पॉलिटिक्स में आए हैं आफ्टर 2014 के बाद, जो इंडिया की इंटरनेशनल जो छवि है, और भी चाहे उन्होंने जो भी निर्माण कार्य किए हैं बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, और अंदर की जो पॉलिटिक्स को उन्होंने सुदृढ़ किया है, उसके लिए मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। देश के अंदर जो फिलहाल आप देख रहे हो कि जो अग्निवीर योजना के बारे में 4 साल की जो नौकरी कर दी है, और अग्निवीर जैसी स्कीम के बारे में आप मोदी को सही देखते हो कि गलत देखते हो? नहीं, उसके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। वो 4 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं अग्निवीरों को, और उसके बाद वो उन्हीं को छूट भी दे रहे हैं, जैसे 10% या फिर 15% जो भी है कि आप रिटायर होके आइए, या फिर जो 25% है उसमें रहिए, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाओ, या फिर 10% के अंदर आके किसी भी नई वैकेंसी में छूट के अंतर्गत आप उससे लग सकते हैं। विपक्ष का ये कहना है कि मोदी सरकार आने के बाद देश के अंदर बेरोजगारी लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है आज के दिन, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? भाई बेरोजगारी तो ना पड़ेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, वैकेंसी आ रही 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार, उसके अंदर फॉर्म लग रही 20-20 लाख, 30-30 लाख। अब ये तो नहीं 20 लाख फॉर्म निकाले जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं पढ़ रहे जो रह रहे हैं। तो अगर यो आपका कहना है कि भाई 30 लाख फॉर्म लग रहे हैं, अगर उनके जो है क्राइटेरिया अगर इंक्रीज कर दिया जाए थोड़ा, तो आपको नहीं लगता कि भाई लोगों को रोज़गार जो है उपलब्ध हो सकता है? रोज़गार उपलब्ध हो सकता है, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए या फिर आप स्किल डेवलपमेंट से किसी और प्राइवेट सेक्टर में जाकर देख सकते हैं। मोदी हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, इस चीज़ को आप क्या कहना चाहते हो? वो एक तरह से कहें तो वो देश हित में है या नहीं है? देश हित में वो एक तरह से बना रहे आत्मनिर्भर, कि आप यदि स्किल रखते हैं खुद के अंदर या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसका ये नहीं है कि एक नेगेटिव ही कोई प्रोस्पेक्ट है, आप पॉजिटिव लेके उसको स्किलों के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट सेक्टर को चुनकर जा सकते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।